निकलना है हमें बाबा बुदनगिरी। टाइम हो रहा है 2:00 के। तो देखो 30-35 किलोमीटर है और मैप में 1 घंटे 10 मिनट शो कर रहा है और मौसम भी बारिश वाला वैसा हो रहा है, इसलिए मैंने पहले से रेन कवर पहन लिया था। चलो बाबा बुदनगिरी चलते हैं। तो अपना निकलने का टाइम हो गया है, बाइक को कर दिया कोल्ड स्टार्ट। सबसे मुसीबत है ना ये सब पहनने के बाद बैठना, अभी तो फिर भी आसानी से हो गया लेकिन जब पीछे लगेज रहता तो मुश्किल हो जाती है। और ये चिकमंगलूर की मेन रोड समझ लो, IG रोड इस रोड का नाम है। यहाँ पे आप लोगों को पूरे जो लॉज होटल्स रेस्टोरेंट सारे मिल जाएंगे। और ये कार वाले भी जीने नहीं देंगे, हालांकि उनके लिए हम लोग उन्हें जीने नहीं दे रहे होंगे। अभी मैंने नेविगेशन भी ऑन नहीं किया, पूछ के ही जाना पड़ेगा। हालांकि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे नेविगेशन ही ऑन कर लेना चाहिए कुछ देर तक, थोड़ी देर तक हमको ट्रैफिक की मुसीबतों का सामना करना होगा। और उस रोड से आने के बाद ये पहला लेफ्ट। अब ये पुलिस वाले परेशान ना करें, हालांकि कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हमारे पास सब कुछ है। पर यार यहाँ पे भी मैंने पुलिस का एक चीज़ देखा, जब मैं इंटर कर रहा था चिकमंगलूर तब भी वो चीज़ें पूछ रहे थे। जैसा बेंगलोर में स्ट्रिक्ट है काफ़ी, वैसे ही यहाँ पे है। तो यहाँ जब भी आओ सारे पेपर सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट्स लेकर आओ। यार वो तो सामने पहाड़ में मुझे अभी से बारिश दिख रही है। एक्चुअली चाहिए मुझे मौसम वही वाला जिसमें बारिश हो रही हो, धुंध हो, कुछ ना दिखे। और यार मैं तो कह ही रहा था बारिश शुरू भी हो गई। यार कितना सही मौसम है। ओहो, ग्रीनरी देखो यार कितना बढ़िया। मजे आ रहे हैं यार, धुंध भी आ गई। और मैं बस थोड़ा यहाँ पे रुका था बीच में एक जगह पे। यहाँ पे देखो सारी गाड़ियों ने हैजार्ड लाइट अपनी चालू कर ली है, मतलब और स्पीड देखो गाड़ियों की, वैसे बहुत तेज़ चलते हैं सब। और यहाँ पे हमारी गाड़ी खड़ी हुई, काफ़ी सही टाइम। जिप लाइनिंग भी होती है यहाँ पे, ये नहीं पता था। ओ यार मेरे लेफ्ट साइड पे देखो आप, और हवा भी इतनी तेज़ चल रही है ना। सही यार, मेरे जस्ट सामने पहाड़ के ऊपर तो देखो कितने सही बादल चल रहे हैं यार। ओहो, लालच आ गई यार, कितनी ज्यादा बादल। ये और मैं बस बीच में एक जगह पर रुका हुआ था ये देखने के लिए, ये व्यू पॉइंट है रास्ते में देखने के लिए कि यहाँ पे कुछ व्यू आता है या नहीं आता है। और यहाँ पे देखो कुछ व्यू ही नहीं, व्यू नाम से कुछ भी नहीं है यहाँ पे। पानी गिर चुका है, रोड काफ़ी अभी स्लिपरी सी लग रही है मुझे, इसलिए धीरे धीरे जाना होगा। बहुत स्लो यहाँ पे गाड़ी चलानी पड़ रही है यार, मतलब कोहरा भी स्लिपरी भी सब कुछ। तो यार रास्ते में बस एक वाटरफॉल पड़ता है, यहाँ पे पानी देखो कितना ज़्यादा इस वाटरफॉल में है। हालांकि सीज़न भी मानसून का है तो ये तो ऑब्वियस है, ये तो होना ही था, बट यार बहुत ज़्यादा पानी, बहुत ज़्यादा तेज फ्लो है। यार इस वाटरफॉल को देख के मुझे एक डाउट आता है कि सीढ़ियाँ कब बनाई होंगी, पहले वाटरफॉल कहीं और से था क्या, फिर सीढ़ियाँ बनाई फिर उसे बाईपास कर दिया यहाँ से। यार देखो तो यार क्या सही है, कितना ज़्यादा पानी, बहुत ही ज़्यादा, नहाने में मज़े आ जाते हैं मौसम थोड़ा गर्म होता तो। यार
मैं कुछ यहाँ पहुँच गया हूँ बाबा बजनगिरी पे, दिख कुछ नहीं रहा है। मैंने पूछा तो कहाँ जाना है, उन्होंने बताया कि ये वाला वाटरफॉल पे जाता है, लेफ्ट वाला भी कहीं पे जाता है, बट जो मेन जगह है वो राइट है और यहाँ पे रोड सही है नहीं। देखते हैं जितना भी जाप है। और यार यहाँ पे देखो कितनी तेज फॉग, कितना तेज धुंध, कितना तेज कोहरा, सब कुछ यार। सीरियसली हवा इतनी ज़्यादा तेज चल रही है ना, मेरी गाड़ी इधर से उधर, उधर से इधर हो रही है। बाप रे, बहुत मुश्किल से उसको हैंडल कर पा रहा हूँ मैं, बहुत ज़्यादा तेज हवा है यार यहाँ पे। और कोहरा देखो कितनी फास्ट आ रहा, विजिबिलिटी 50 मीटर भी नहीं। अरे इसने पूरा मिक्स कर दिया अच्छे खासे कोहरे को ना अपने धुएं से। यार ये रोड ना, ऐसी रोड में वाट लग जाती है सच में। एग्जैक्टली ऐसा वेदर चाहिए था मुझको यार, इतने दिन के बाद ऐसा वेदर मिला जिसमें कुछ भी दिख ना रहा हो। ये जगह में पता है ये इसके लिए मतलब व्यूज़ के लिए बहुत पॉपुलर है, बहुत प्यारा व्यूज़ आता है यहाँ से, बट अभी कुछ भी नहीं दिख रहा, बट फिर भी मुझे मज़े आ रहे हैं क्योंकि मौसम इतना सही है यार, कुछ दिखने की ज़रूरत नहीं है, सब जो है फील है। रोड ने तो भाई खतरनाक रोड है। हाँ उस पर भी ये मोड़, ओहो हो, आराम से आराम से आराम से। यार ये गड्ढों ने तो बेंगलोर की याद दिला दी और थोड़ा सा लद्दाख की भी। ज़्यादा कोहरा, कितना ज़्यादा, कितनी तेज हवा, और पेड़ भी गिरा हुआ है बाएं तरफ। शेट शेट, हॉरर मॉल हो रहा है। बाप यार फाइनली कोई तो दिखा, दो बाइक वाले दिखे। चलो अब थोड़ा सा वो आ रहा है, हिम्मत आ रही है। एक और बाइकर दिखा, चलो कोई होगा कम से कम वहाँ पे। ये दोपहर के 2 बज रहे हैं दोस्तों। तो मैं अभी आ गया हूँ बाबा बुदनगिरी के व्यू पॉइंट पे, जो फाइनल व्यू पॉइंट आता है। अब यहाँ पे देखो ये व्यू पॉइंट के नाम पे कुछ भी व्यू नहीं है, ऑब्वियसली मौसम ऐसा है, बट जो फीलिंग आ रही है, जो फील हो रहा है ना, वो मतलब बता नहीं सकते, अब बहुत औसम। तो चलो अब लौटते हैं। लौटते टाइम मैंने सोचा थोड़ा सा इस मौसम में चाय नहीं पिया तो क्या किया यार, ये कितना सही मौसम हो गया है, क्या करूं मैं। और मैं बस घाटियों से उतर ही रहा था तो मैं सोचा एक लास्ट थोड़ा सा और रुक के देख लेता हूँ, क्योंकि कुछ अलग ही यार नज़ारा है यार सच में। कितना ही ज़्यादा कोहरा देखो, और हवा कितनी तेज है, क्योंकि हाइट भी है ना ये, पूरा हॉरर माहौल लग रहा है यहाँ पे, मूवी की शूटिंग हो सकती है। यार बाबा बुदनगिरी पे तो कुछ शूट कर नहीं पाया था, वहाँ पे इतना ज़्यादा कोहरा था, गोप्रो भी डिस्चार्ज हो चुका था। यहाँ से व्यू देखो, ये मैं बाबा बुदनगिरी से लौट रहा हूँ अभी, और उधर सिटी में पूरा आसमान खुला है और इधर से बादल देखना शुरू करो। अरे क्या तो पेड़ है, और ये हमारी बाइक खड़ी हुई।